अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। घर से बगावत कर विवाह रचाने वाली युवती की जान कोर्ट मैरिज करने के बाद भी नहीं बच पाए। अच्छे से रीति रिवाज के अनुसार अब शादी करेंगे, यह भरोसा दिलाकर परिजन युवती को घर ले आए थे। इसके बाद जो हुआ वह निश्चित रूप से रोंगटे खड़े कर देने वाला है। युवती को मौत का आभास हुआ तो उसने युवक से उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। किसी ने हाथ पकड़ा तो किसी ने पांव और फिर किसी ने गला दबाकर शादी के बाद खुशहाल जीवन बिताने के हसीन सपने देखने वाली इस युवती को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी कहानी या यूं कहें आप बीती कई बार देखी व सुनी गई, लेकिन इस अस्वीकृत रिश्ते के दामाद व सास के बीच मोबाइल पर जो वार्ता हुई उसे सुनकर किसी के भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। अपनी पत्नी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए युवक पुलिस के दरवाजे पीटता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सास व दामाद का ऑडियो वायरल हुआ तो पुलिस को हरकत में आना पड़ा। करीब 13 दिन पहले दफनाए गए शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यह हैरतअंगेज व कमजोर दिल को हिला देने वाली वारदात मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के शाहजहां कॉलोनी की है। करीम नगर गली नंबर 15 निवासी फरमान पुत्र जावेद आलम ने शाहजहां कॉलोनी गली नंबर 5 निवासी साइना मंजूर से 3 माह पूर्व 1 मार्च को लव मैरिज की थी। 17 मई 2021 को इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। इस विवाह से युवती के परिजन नाराज थे। बाद में युवती के पिता व अन्य परिजन यह भरोसा दिलाते हुए साइना को अपने घर ले आए कि बदनामी से बचने के लिए अब वे उनकी विधिवत शादी कर देंगे। एक रोज साली ने फरमान को बताया कि उसकी बहन को मार दिया गया है, जबकि परिजनों ने कोरोना से उसकी मौत दिखाते हुए शव को दफना दिया। इसके बाद क्या हुआ फरमान ने यह जानकारी दी। सर बहुत मुश्किल से बचा हुआ हूँ सर, अब से 3 महीने पहले निकाह किया था हमने। 17/5/21 को हमने कोर्ट मैरिज भी किया था सर। उनके घर वालों ने ये कहा था कि हम भेज देंगे जज से, और मतलब के जो है रिश्तेदारों के पास आते हैं वो हमारे फैसले के लिए आते हैं रिश्तेदारों के पास वो, और धमकियाँ भी देते हैं कि फैसला करो कॉम्प्रोमाइज़ करो। आपकी पत्नी किस तरह से मारी है? सर उन्होंने जो है ना इस तरह से मारी है कि हमारी जो ससुर है ना उन्होंने तो गले पे पाँव वो रखा था, तकिया रिकॉर्ड है मेरे पास भी, और गले पे पाँव रख दिया था। और जो और लोग आए थे ना घर गाँव से उन लोगों की सबकी प्लानिंग थी कि ऐसे ऐसे मारना है। जमालुद्दीन नाम है उनका, और एक का अजमेरी है, एक का महबूब अफसर, ये 4-5 लोग शामिल हैं। मैंने गाड़ी नंबर है उन मेरे पास इसमें रिपोर्ट में सब सबूत हैं सर मेरे पास। अच्छा आपको कैसे पता चला कि आपकी पत्नी को इस तरह से मारा गया है? सर मेरी दुकान पर मेरी साली आई थी जब हमने दफीना कर दिया था, मेरी साली मुस्कान उसने बताया मुझे कि जो है बाजी को इस तरीके से मारा गया है, गला घोट के तड़पा के। और मैंने कहा उनसे कि तुम ये जवाब दे दोगे कहीं और, उन्होंने कहा कि आज जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, डेड बॉडी निकलवा सकते हो, उसके अंदर इतने ज़ख्म हैं कि शायद वो खुद बयान दे देगी। अभी आप किन किन अधिकारियों के पास अपनी गुहार लगाते हैं? सर DM सर के पास, SSP सर के पास, CO सर के पास, और थाने में उन इंस्पेक्टर सर के पास डेली कॉल करता हूँ, डेली जाता हूँ, डेली वहाँ खड़ा रहता हूँ भूखा प्यासा। आपको अपनी जान का किस तरीके से खतरा है? सर वो लोग कहते हैं या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, पैसे लेन देन का मतलब के फैसला करो, इसे निपटाओ, मतलब के जोर दबाव डालते हैं हमारे रिश्तेदारों के पास आके, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानता। हत्या के बाद जब फरमान ने अपनी सास से मोबाइल पर वार्ता की तो उसने अफसोस जताते हुए स्वीकार किया कि उन लोगों ने बेहद सुनियोजित तरीके से बेटी को निपटा दिया है। आइए पहले सुनते हैं फरमान व सास के बीच हुई वार्ता का वह ऑडियो। तुम तीनों ने मारा ना?
एक ने पाँव पकड़े, हाथ पकड़े और गले पे मंजूर भाई ने पाँव रखा और तकिया लगा, ऐसी मारा ना? नहीं, लड़की नहीं थी कोई भी। लड़की थी सुमाइला? नहीं, आपने गलत कहा, सुमाइला थी। और कौन था? सुमाइला थी। हम जब मैंने जो मैंने तुम्हें बता दिया बता दिया, तुम ये बात बता दें। मंजूर भाई ने पाँव से मारा जैसे भी, तुम्हारे सामने मैंने बता नहीं, जैसे भी नहीं, हाँ या ना में जवाब दो आप मुझे। हाँ बता तो दी मैंने उन्हें। मंजूर भाई ने पाँव वो लगाओ ना, पाँव लगाया ना मंजूर भाई ने, और तुमने हाथ पकड़े थे, पाँव पकड़े थे? बस भैया जैसे भी हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। हाथ पकड़े थे, पाँव पकड़े थे आपने साथी? मैंने पैर पकड़ लिए थे भैया। एक बात पूछूं मैं आपसे, आपको जरा सी भी दया नहीं आई? बस मुझे इतना बता दो आप। उसने है ना बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने। क्या लगाया? बस उस बंदी बोल के कि मेरी इज्जत का हाथ डाला मेरे पास। उसने सही कहा? मुझे मेरे दोस्त की कसम, आप कुछ निशाना सुना दे दिया। तुम्हें जरा सी दया नहीं आई वैसे? तुम्हें जरा सी दया नहीं आई? कम कर दो। कर दी। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें सारी बात खत्म कर। फरमान? हाँ फरमान। हाँ बेटे सबर कर, सबर कर, सबर कर बेटा, सबर कर। एक बार बताऊ मैं? सबर कर बस। हाँ तुम्हें आजादी तो मिल गई, सुनो, तुम्हें आजादी तो मिल गई। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम्हारा घर बर्बाद होगा। अब मैं नहीं करने का हूँ, सब छोड़ दूंगा मैं, अल्लाह करेगा, उसका अजर अल्लाह देगा तुम्हें। तू मेरा बड़ा बेटा है। मैं नहीं हूँ बेटा तुम्हारा, तुमने है ना मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया, मेरा पूरा जीवन। मेरे बच्चे कुछ मत के, मैं तेरे हाथ जोड़ू, मेरा पूरा जीवन खराब किया तुमने। मेरे बच्चे तुम सारी बात खत्म कर दो। तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई? जरा सी भी दया नहीं आई? गलती है, गलती है इनसे बहुत बड़ी। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मुझे बुला लो, मुझे बुला लो, मेरा नाम ले लेके मर गई हूँ। जरा सी भी दया नहीं आई? गलती है रिहाना तेरी, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, मैंने अल्लाह रातों रात नष्ट कर दे सालों। इस ऑडियो में सास युवक से तमाम गुहार लगा रही है, साथ ही अफसोस भी। बीती रात पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट को दी। एक फरमान नाम का युवक जो थाना नवचंदी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके मुताबिक उसने एक लड़की लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उससे शादी किया था। शादी के बाद वो लड़की अपने परिवार के साथ ही रहती थी। ये शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक जो उसका निकाहनामा के आधार पर बना है वो 17 मई का दिखाया जा रहा है। उस आधार पर उसने आरोप लगाया कि उसके परिवारीजनों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी, और इस आरोप पर हमारे यहाँ तहरीर लड़के द्वारा दी गई, उस तहरीर पर जाँच की गई और जाँच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और बॉडी को कब्र से निकाल करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम के आधार पर इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कोई गिरफ्तारी भी अभी तक इसमें की गई है? अभी पूछताछ के लिए एक लोग को हिरासत में लिया गया है और जैसे भी पीएम इसमें आएगा उसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है, ऐसे में और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लिहाजा जब तक जरूरी कार्य न हो घर से न निकले, मास्क अवश्य पहने, हाथ बराबर धोते रहें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट होते हुए। नमस्कार।